उसमें रोज की रोज हम देखते हैं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, जगह कम पड़ जाती है, लोग बहुत ज्यादा होते हैं और सभी नाम से जुड़ने आते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रमणीक जी हैं जो कनाडा से आई हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा के बारे में इनका क्या मानना है। मैम, आपको क्या लगता है कि उनका आना हमारी सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिशियल है? जैसे मैं अपनी बात करूँगी, जैसे गुरु जी यहाँ पे नहीं थे तो मुझे भी कहीं कहीं फील होता था कि हम किसी गलत और चल पड़ते हैं, कि हमें हर वक्त एक टीचर की ज़रूरत होती है। हमारे सर पे जब हम स्कूल में थे तो हम, अगर टीचर क्लास से बाहर चला जाता था तो हम देखते थे कि हम शरारतें स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो अभी वैसे ही है कि हम भी लाइफ में बहुत बिजी हैं, जब गुरुजी हमारे पास नहीं होते, हमें उनकी आवाज़ नहीं सुनती, हम उन्हें, हमें नहीं पता लगता कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो हम भड़क जाते हैं। तो अब गुरुजी हैं, हमें एक एक दिन, एक एक पल का पता है कि हमें हर टाइम गुरुजी इंस्पिरेशन कर रहे हैं। जैसे सुबह से ही गुरुजी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो हमें फर्स्टली वो कहते हैं कि आप वॉक पे जाएं, अपनी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, वॉक पे जाएं। उसके बाद वो गेम्स खेलते हैं, हमें भी मतलब कि बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी वो चीज़ करनी चाहिए सारी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गुरुजी अब 50 प्लस हो गए हैं, पर आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो 50 प्लस हैं, क्योंकि हमारे भी पापा 50 प्लस होंगे और उनके देखो कि घुटनों में दर्द हो रहे हैं, कई उनकी टांगें दर्द कर रही हैं, कई उनके मसल्स पेन हो रहे हैं, पर गुरुजी तो फिट पूरे फिट हैं। क्यों? उनकी सेहत का राज क्या है? वो नाम जपते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, पूरी बढ़िया से वॉकिंग करते हैं। अच्छा सोचेंगे आप, अच्छा खाएंगे और दुनिया समाज का भला करेंगे, आपको कुछ हो ही नहीं सकता। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से ये अपील है कि अब हम गुरुजी के बिना और नहीं रह सकते, उन्हें अब जल्दी से जल्दी सारे समाज के बीच में लाएं ताकि वो और लोगों को जोड़ें। जैसे कि अभी वो गुरुमंत्र दे रहे हैं, लाखों के लाखों लोग रोज की रोज जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है सब ये अभी जो है, क्योंकि वो कभी भी कानून की उल्लंघना नहीं करते हैं। उनकी वजह से जो भी मतलब कानून ने आदेश दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन चलाएं अपना मेथड ऑफ मेडिटेशन जो भी आपने प्रोवाइड करना है, तो उनकी वजह से वो ऑनलाइन गुरुकुल चल रहा है हमारा। तो उसमें रोज की रोज हम देखते हैं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग, जगह कम पड़ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और सभी नाम से जुड़ने आते हैं, उनसे सीखने आते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगी सरकार से जल्द गुरु जी को परमानेंट हमारे बीच भेजें ताकि जो इस समाज का सुधार हो सके, और क्योंकि इनके सिवाय वो कुछ भी नहीं, वो और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, सभी आपके सामने है, बस मानने की बात है, नज़रिए की बात है। अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे तो समाज सुधरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद रमणीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हमारे साथ कनाडा से जुड़े, जिन्होंने वेल एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से संत जी सोसाइटी के लिए वर्क करें, किस तरीके से जो हमारा यूथ है उसको मोटिवेट करने हैं क्विट करने के लिए ड्रग्स, और इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी बताए किस तरीके से इनकी फैमिली से संत जी ने नशे को दूर किया, ड्रग्स को दूर किया और इनकी जिंदगियों को बदला। आप भी ज़रूर सुनिए कि किस तरीके से जनता अपील कर रही है कि संत जी परमानेंट आए और सोसाइटी में जो उनके रिफॉर्मिंग वर्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि जो समाज बदल सके और एक खुली सोच से एक समाज और एक बेटी सांस ले सके। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ, संजी का समाज में आने का प्रभाव द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।